महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से जितने भी हमारे विद्यालय महाविद्यालय हैं सब में एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है ऑनलाइन तरीके से, और इसका इंटरफेस भी कुछ चेंज करा है वेबसाइट के। सबसे पहले हमें एग्जामिनेशन पे जाते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ से हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। एमए बीए सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, एमए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जिस भी सब्जेक्ट से हो सबके जारी हो चुके हैं, चाहे सेमेस्टर वाले हो चाहे एनुअल वाले हो, कोई से भी हो सबके जारी कर दिए गए हैं। और कोई भी अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, किसी को पता नहीं होता अपने एग्जाम रजिस्ट्रेशन नंबर का, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर रहा हूँ। और ये देखिए 2021 में 2021 डाउनलोड एडमिट कार्ड, यहाँ पर जाइए और ऊपर एक लिंक दिया है, ये हाईलाइट हो रहा है, अपना फॉर्म नंबर जानने के लिए यहाँ क्लिक करें, यहाँ पर जाइए। और जो हमारी स्कूल वालों ने जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हैं या खुद ने भी भरवाए हैं साइबर कैफे से, या खुद ने भी अपने तरीके से भरे हैं, तो वो यहाँ से हम फाइंड आउट करके प्रिंट भी ले सकते हैं यहाँ से। तो ये देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, सारी चीज़ें जी देखने को मिल जाएंगी, रिप्रिंट और पेमेंट स्टेटस यहाँ से हम चेक कर सकते हैं और सारी डिटेल निकाल सकते हैं अपने। तो कॉलेज का नाम डाल दीजिए, जो भी आते हैं सबके अलग अलग कोड होते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग मैं इसको डाउनलोड करूँगा। जैसे मैंने अब्दुल रज्जाक डिग्री कॉलेज है तो 820 नंबर है इसका, तो ये आ गया, एंटर करा। और कोर्स बीए थर्ड ईयर डालना है इसमें, और फीमेल कैंडिडेट का नाम है, ये मैंने कैप्चा डाल लिया है इसमें। और ये देखिए ये है ऊपर वाला उसका रोल नंबर, और 21 पहले से ही डला हुआ है उसमें, क्योंकि 21 से आगे के हम नंबर कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और ये एडमिट कार्ड वाला जो लिंक है इस पे जाते हैं, और हाँ यहाँ पर आया, और जहाँ से हमने नंबर जाना है यहाँ पर क्लिक करना है सीधे सीधे और पेस्ट कर देना है, और कैप्चा डालना है 53S5NX हमने सेव लिया कैप्चा को, हाँ ठीक 53S है ना, यहाँ पे एस भरना है अंदर, और ये उसका एडमिट कार्ड आ गया है, ये उसकी डिटेल्स आ गई है, और यहाँ से हम डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं।